हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलॉन मस्क ने क्या किया है कि ट्विटर को बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है। क्यों बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये किया है कि जो तालिबान के लीडर हैं उनको ये क्या कर रहे हैं कि ब्लूटूथ ब्लूटिक दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटिक क्या है? एक तरीके से उनको दिया जाता है जो काफी पॉपुलर होते हैं। पहले जब आप ट्विटर चलाते थे तो उसमें क्या होता था कि जो सेलिब्रिटी होते थे, जो अच्छे लोग होते थे या जिनकी फॉलोइंग अच्छी होती थी, उनको क्या होता था, ब्लू टिक दिया जाता था। जैसे इंस्टा भी चलाते उसमें देखेंगे टिक रहता है, वैसे ही ट्विटर में ब्लू टिक था। लेकिन जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि जो ब्लू टिक है उसको हम क्या करेंगे, पेड करेंगे। पेड का मतलब लोग ये समझ रहे थे कि चलो ठीक है, जो सेलिब्रिटी है उसके लिए पे करेंगे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको क्या किया, कुछ और तरीके से ये लाए हैं और इन्होंने क्या किया है कि अगर आप पैसा देंगे तो आपको ब्लू टिक पैसा देने पे मिल जाएगा। चलो ये भी ठीक था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जो तालिबान के हेड हैं उनको क्या किया है, ब्लू टिक दे दिया है। ये क्या कर रहे हैं, एकदम मेरा तो दिमाग ही खराब है, सच में पागल हो गए हैं। तालिबान आपको पता है कि कोई कितना भी बोल ले, लेकिन आपको पता है वो पहले आतंकवादी संगठन था, पूरी दुनिया यही मानती थी। लेकिन फिर देखा गया कि जो तालिबान के हेड थे हिदायतुल्ला, उन्होंने क्या किया कि उनका ट्विटर पे ब्लू टिक देखा गया। मैं आपको बता दूं ब्लू टिक के बारे में कि ब्लू टिक पहले क्या था, जब ये आए तो इन्होंने क्या बोला था कि हम $8 चार्ज करेंगे मंथली ब्लू टिक के लिए। फिर इन्होंने क्या किया, इसको बढ़ा के $11 कर दिया। अब क्या हुआ कि अब ये लोग भी आने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उसका मूड खराब हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है ब्लू टिक आप करिए, लेकिन अगर ऐसे लोग आएंगे तो अपनी विचारधारा वहां पर फैलाएंगे, जिससे कितने लोग इफेक्टेड होंगे। मैं आपको बता दूं कि आप फेसबुक इंस्टा सब कुछ यूज करते होंगे, लेकिन जितनी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ठीक है, वो ट्विटर पे ही होते हैं। ट्विटर हुआ, अगर आपको इंटेलेक्चुअल लोगों से मतलब मिलना है, कनेक्ट होना है, तो आप ट्विटर पे जाइए या फिर लिंक्डइन पे जाइए, वहां पे क्या होता है आपको इंटेलेक्चुअल लोग मिलते हैं। लेकिन अब ऐसी जगह भी क्या हो, अगर खराब हो जाए तो लोग कहां जाएं, लोग अपनी बातें कहां रखें, क्या भरोसा करें। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जब ये ब्लूटूथ इन्होंने क्या किया था, शुरू किया था, उन्होंने बहुत सारे फीचर्स देना शुरू किया था, ठीक है, उसी को दौरान इनके दो लीडर जो थे वहां पे देखे गए। जरा आप सोचिए कि एक मतलब एक पानी है, साफ सुथरा है, काफी स्थिर है, सुंदर लग रहा है, और कोई जाए उसमें हाथ डाल के पूरा खराब कर दे। यही एलॉन मस्क कर रहे हैं। ये क्या करें, ट्विटर को पूरा बर्बाद करने के चक्कर में आ गए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, जो ट्विटर है उसको हम एक सुपर चैट बना देते हैं। सुपर चैट बना देंगे तो इससे हम बहुत पैसा कमा पाएंगे, बहुत सारे लोगों को जोड़ पाएंगे, जैसे चाइना कर रहा है, ये अटकने की। फिर क्या किया इन्होंने, 44 बिलियन में आपको पता है खरीदा नहीं, इनसे खरीदवाया गया था। ये हीरो बन के वहां पे गए। और अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर तो एलॉन मस्क के खिलाफ ही है। देखिए, एलॉन मस्क का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, जितने बड़े आप हैं शायद मैं आपसे भी बड़ा फैन हूं। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कभी कभी दोस्तों ये ऐसी हरकतें कर देते हैं ना कि जिससे दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि जिस इंसान को आप फॉलो कर रहे हैं वही इंसान गलत करने लगे तो कितना बुरा लगता है। तो मैं भी इनको बहुत फॉलो करता हूं, इनकी जो प्लानिंग होती है बहुत बेहतरीन है, मतलब सुपर ह्यूमन एक तरीके से। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि हर चीज पैसा नहीं होता है। कभी कभी जहां पर इतनी बड़ी ऑडियंस आती है, लोग आते हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, वहां पर एक तालिबानी संगठन के लोग अगर आके वहां पर विचार रखेंगे तो चीजें कितनी खराब होंगी। इसी वजह से पूरी मीडिया में ये छाए हुए हैं, हर जगह इनकी ही बातें हो रही हैं। इनको एक टाइम पे इनको मसीहा बोला जाता था, मतलब इतिहास का क्रांतिकारी पुरुष बोला जाता था। लेकिन ये ऐसी हरकतें अब करने लगे हैं, जैसे इन्होंने ट्विटर खरीदा, जैसे ही आए तो जो इसके फाउंडर थे उनको निकाल दिया, टीम मेंबर को निकाल दिया, बाथरूम से गया टॉयलेट जो बॉक्स था उसको उठा के पटक दिया, फोड़ फाड़ दिया, बाहर सबको निकालने लगे, इधर का उधर करने लगे। इससे क्या होगा, इनकी इमेज खराब हो रही है। देखिए, ग्रेट वही है जो काम में ग्रेट हो और व्यवहार से भी ग्रेट हो, वही ग्रेट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इन्होंने क्या, 44 बिलियन में ट्विटर खरीदा था, क्यों खरीदा था, पहले डील करने गए। डील करने के दौरान क्या हुआ, इन्होंने अपनी बातें रखी, हाँ हम लेंगे। इन्होंने सोचा ऐसे करके क्या होगा, पूरी मार्केटिंग हो जाएगी, दुनिया मुझे पूरी जान जाएंगी। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, डील से मना कर दिया, भैया हम ट्विटर नहीं लेंगे, ट्विटर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अभी इसमें इतने लोग नहीं है, इतने ट्विटर पे इतने मतलब लोग बहुत कम है, इतनी जनता नहीं है जितनी फेसबुक पे है। फिर क्या हुआ, जो ट्विटर के लोग थे, जो ट्विटर के मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर थे, वो सब क्या हुए, जाने लगे कोर्ट। उन्होंने बोला ठीक है आप नहीं लेंगे तो आइए आपसे कोर्ट में मिलते हैं। फिर आपने डील फाइनल क्यों की जब आपको नहीं लेना था, आपने ट्विटर की इमेज ऐसे क्यों खराब की, वो कोर्ट में जाने लगे।
कोर्ट के जाने दौरान, जब ये कोर्ट में जाने लगे उसी दौरान एलन मस्क ने बोला एक काम करो यार कोर्ट शोर्ट में मत जाओ, मुझे मत घसीटो, मैं खरीद लेता हूं। अब इनको ये जबरदस्ती खरीदना पड़ा था। अब ये क्या सोच रहे हैं कि हम कैसे करें कि इसको प्रॉफिटेबल बना दें, 44 बिलियन ऊपर कमा लें। लेकिन ये बहुत मुश्किल है ऐसे प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाना, मतलब कमा तो रहे ही हैं, बिलियंस में कमा ही रहे हैं, लेकिन इस रेशियो में कमाना कि हम बहुत ज्यादा पैसे कमा पाए, 44 बिलियन इन्वेस्ट किया है तो 200-300 बिलियन कमा लें, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तरीके से ये ट्रस्टेबल क्या है, प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, वहां पे आप क्या क्या करेंगे कि पैसा कमाएं, तो उसकी आइडेंटिटी ही बदल जाएगी ना। वो एक तरीके से मैं आपको बता दूं इंटेलेक्चुअल ऑडियंस की वो क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब उसको आप बदलते जाएंगे, आज ब्लू टिक लाए हैं, कल को सुपर चैट बना देंगे, तो ट्विटर रहे कहां गया, जो जिसलिए लोग वहां पर जाते तो खत्म ही हो जाएगा, फिर ट्विटर का मतलब ही क्या रह गया। अब ये सोच रहे हैं वहां से पैसा कमाए जिसके लिए ऐसी चीजें ला रहे हैं, पर इनको वहां पे रुकना पड़ेगा, इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नहीं जो चीज है उसको ऐसे ही रहने दें, बस इसमें और सुधार करें, अच्छे से सुधार करें, पर तालिबानी को लाएंगे तो जो ऑडियंस है वहां से जाने लगेगी, एक टाइम बाद लोग ट्रस्ट भी नहीं करेंगे कि कैसा है, क्योंकि हर चीज पेड होने लगेगा, क्या पता इंफॉर्मेशन भी है क्या हो बेच रहे हों, अगर ये इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, किसी को भी वहां पे ला रहे हैं, तो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पूरे न्यूज में, मीडिया में, हर जगह इनकी ये बातें हो रही हैं कि इन्होंने क्या किया है, तालिबान जो है उनको ब्लू टिक दिया है। इनको सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर बिजनेस को प्रॉफिटेबल आप बनाइए, पर उसकी जो आइडेंटिटी है उसको वैसे ही रहने दीजिए। लिंक्डइन, ट्विटर पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे लोग बातों को सुनना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ट्विटर जब रही नहीं जाएगा तो लोग क्यों आएंगे वहां पे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।